श्रीमान संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी खालसा पिंडरां वाले महापुरख बाणी सुन रहे सीगे ते कोई प्रेमी मंद इच्छा करके उहदे मन दा फुरना महापुरख जाण गए जथे विच रहिंदा सी। जदों ओ जिस थां ते पड़ा लगा सी ते पड़ा दा दरवाजा लंघन लगा ना महापुरखां उसे वेले सिंह भेजिया कि जाओ भाई फलाने नूं बुला के लियाओ। उहनूं भज के आवाज़ मार के बुलाया महापुरख सादे आ। जदों आया कोल महापुरख कहिंदे एकांत कर दिओ कोई होर ना लागे होवे। उहनूं कहिंदे इस काम चलिया सी। ਉਹ ਸ਼ਰਮੋ ਸ਼ਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੁਪਤ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਐ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਚੱਲੀਏ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗੁਰਮੁਖ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਨ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। उन्हें तैयारी कर ली। जदों तैयारी करके तुरन लगा महापुरखा ने कोल बुलाया, कहिंदे भाई सिंघा असीं तेरे मन दा फुरना हर वेले नहीं पढ़दे। वह कहिंदा महाराज की हुण तुहाडे कोल रह के करना, तुसीं तां दिल दीआं गल्लां जाणदे हो, मैं हुण किस तरीके नाल इत्थे रवां, मैनूं शर्म बड़ी आउंदी है। कहिंदे असीं तेरा फुरना तेनूं बचाउण वास्ते तेनूं दस्सिआ है, जे तू उथे जा करके एक रहत करदा ते रहत तो डिग जाना सी ते नरकां नूं जाण दा कारण बनना सी। असी हर वेले तेरे फुरने नूं नहीं पढ़दे। सानू तां गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दे चरणां दी प्रीत वै मन दे अंदर, ते ओ चरण ही सतगुरु दे सदा अंदर वसे रहण। मैं तेरा फुरना बसा के की करना, जे संगत च रहेगा ते तेरा भला हो जाएगा, जे संगत छड़ जावेगा ते फिर ये वकार होर ज्यादा प्रबल हो जाएंगे ते नरकां नूं जाण दा कारण बनेगा। इस करके मन नूं रोक विषयां दे वेग तों ते संगत करिया कर, भजन करिया कर, तेरा जीवन सफल हो जावे। किसी दे भले लई साध संगत जी उह फुरना दस दिंदे, नहीं तां किसी दे फुरने वालों ध्यान नहीं करदे। चाहुण तां सब कुछ जाणदे हुंदे आ।